हरे कृष्णा। आज हम तपस्या की भूमि वृंदावन में रहने के लिए हमारी योग्यता कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो ये तपस्या की क्षेत्र है जो वृंदावन, यहाँ पे अगर कोई आदमी सोते हैं तो उसको दंडवत करने की फल मिलता है, कोई अगर पैदल चलते हैं तो उसको परिक्रमा करने की फल मिलता है, अगर कोई कारणवश कोई भूखा रहता है तो उसको उपवास करने की फल मिलता है, और कोई अगर भगवान की नाम करे तो उसको हजार गुना फल मिलता है। मगर इसके साथ साथ अगर हम कोई अपराध करें, क्योंकि यहाँ पे जो पक्षी पशु और भगवान के भक्त जो भी हैं सब भगवान के वैष्णवी हैं, सब वैष्णव उपासक हैं, सब भक्ति हैं, तो हमारे अगर अपराध मनोवृत्ति लेके उनके प्रति अगर कोई मन वाचा कर्मणा के द्वारा अगर उनके प्रति कोई हम अपराध करते हैं तो उसके फलस्वरूप भी हमें 1000 गुण का उसका प्रतिक्रिया भोगना पड़ता है। तो इसके बारे में हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं उन लोगों के जीवन में एक ऐसी कथा आता है कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, ये दो भाई थे बंगाल के राजा, जो मुसलमान राजा थे उनके दरबार में वो एडमिनिस्ट्रेशन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर वो लोग काम करते थे वहाँ पे। तो रूप गोस्वामी एक बार उनके जो कुटिया था उनके सामने बैठ के समाधिस्थ होके भगवान के लीलाओं के बारे में चिंतन कर रहे थे, देख रहे थे, पूरा सचौकी से वो देख रहे थे। तो लीला ऐसा था कि राधा रानी एक फूल जो बागान था, फूल का जो बगीचे थे उसमें वो वहाँ पे फूल तोड़ने के लिए गए थे। तो घूमते घूमते एक ऐसा पेड़ आया जो पेड़ की फूल से भरा हुआ था और उसका जो फूल में जो डहिया था वो डहिया राधा रानी के हाथ नहीं पहुँच पा रहा था। तो वो बहुत बार कोशिश की, एक दो बार कूद के, बाद में जब हाथ में नहीं आया तो श्री कृष्ण ये सब छुप के देख रहे थे और वो पीछे से आके पेड़ चढ़ के और अपने पाँवों के जरिए जो डहिया था उसको दबा दिए ताकि वो डहिया राधा रानी के हाथ को पहुंच सके। तो जब कृष्ण डहिया को दबा दिए तो आसानी से वो डहिया हाथ कृष्ण राधा रानी के हाथ पे आ गया और राधा रानी एक हाथ में डहिया को पकड़े, दोनों हाथ में जैसे ही पकड़े श्री कृष्ण अपने पाँव हटा दिए और जो डहिया ऊपर उड़ गया, उसके साथ साथ राधा रानी भी पेड़ में लटक गए। ये देख के रूप गोस्वामी बहुत उनको हंसी आई, वो हंस दिए। उसी समय में वही रास्ते पे एक वैष्णव जा रहे थे और वो देखे कि रूप गोस्वामी, वो सोचे कि रूप गोस्वामी जब ये हंस रहे थे तो उनको लगा कि रूप गोस्वामी मेरे को देख के हंस रहे हैं, क्योंकि वो जो वैष्णव थे वो एक अपाहिज थे, वो लंगड़े थे, थोड़ा चलने में उनको थोड़ा दुविधा होता था, असुविधा होता था। तो ये सोचे कि रूप गोस्वामी मेरे जो अपाहिजता है उसके ऊपर देख के ये हंस रहे हैं। तो जैसे ही उनके हृदय में ये वेदना वो फील किए कि रूप गोस्वामी भी मेरे को ऊपर देख के हंस रहे हैं, क्योंकि सारा दुनिया तो मेरे ऊपर हंसता ही है मगर रूप गोस्वामी जो कि परम भागवत हैं, परम वैष्णव हैं, वो भी अगर मेरे ऊपर ये हंसे तो मेरा धिक्कार है ये जीवन को। बहुत पीड़ा हुआ उनके हृदय में। जब ये पीड़ा महसूस किए तुरंत ही रूप गोस्वामी का जो दिव्य दर्शन वो देख रहे थे, दिव्य लीलाएं भगवान का देख रहे थे, वो पूरा तुरंत ही बंद हो गया। जैसे बंद हो गया रूप गोस्वामी को बहुत बहुत बार कोशिश की कि कैसे बंद हो गया, वो समझ नहीं पाए। बाद में जब हताश हो गए उनको बहुत बुरा लगा और पास में जो सनातन गोस्वामी थे उनको वो पूछे कि सनातन ये मैं देख रहा था और अचानक से कैसे लीला बंद हो गया। तो सनातन गोस्वामी बोले कि जरूर किसने अपने कोई वैष्णव अपराध किए होंगे। तो रूप गोस्वामी बोले तो मैं तो किसी के प्रति बुरा ही सोचा नहीं, अगर मेरे अनजाने में कुछ हो गया होगा मैं बता नहीं सकता, तो इसके लिए क्या उपचार है। रूप गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी को पूछा। तो सनातन गोस्वामी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी क्लेवर, सो वो बोले कि आप ऐसा करिए कि कल एक भोज का इंतजाम करिए और आसपास में जितने भी वैष्णव साधु हैं उनको निमंत्रण करिए और तब आप देखिएगा कौन सा साधु कौन सा वैष्णव आपके प्रति अगर द्वेष है तो कल जरूर वो भोज में नहीं आएंगे। तो वैसे ही हुआ, अच्छा सा इंतजाम किया गया, सब वैष्णवों को निमंत्रण किया गया
और सब जब जैसे आए तो रूप गोस्वामी एक एक करके सबको दंडवत प्रणाम लगा के निमंत्रण करके सबको देखे, मगर देखे कि एक वैष्णव है जो कि उनके भोज में नहीं आए। तो सनातन गोस्वामी के परामर्श के बाद वो बोले कि जरूर वही वैष्णव होगा जिसके जिसके मतलब जिसके बारे में मैं गलत सोचा होगा अनजाने से और अपराध हो गया होगा। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के परामर्श पर वो वैष्णव के घर गए और उनको निमंत्रण करने के लिए गए कि भगवान आप हमारी भोज है, आप क्यों नहीं आए। पूछे कि आप अभी निमंत्रण करने के लिए आए हो मेरे को, आप कल मेरे को मेरे ऊपर आप हंस रहे थे, मैं जानता हूँ आप महान भगवत हैं, फिर भी आप मेरे ऊपर मेरे जो मेरे कर्म के वजह से जो मेरे ये शरीर प्रदान हुआ इसके लिए आप मेरे ऊपर हंस रहे थे, कल मजाक करवा रहे थे, तो और आज आप मेरे को निमंत्रण देने आए। तो रूप गोस्वामी सोचे कि शायद वो बोले कि भगवान मैं भगवान का लीला तब दर्शन कर रहा था और पूरा वृतांत उनको सुनाए कि ऐसा ऐसा हुआ, मैं आपके ऊपर नहीं हंस रहा था, तब मैं भगवान का लीला दर्शन कर रहा था, तब अचानक से ये संयोग बस आप ये सोच ले कि ये मेरे को ही हंस रहे हैं, मेरे ऊपर हंस रहे हैं। तब ये जो वैष्णव थे ये भी समझे कि एक्चुअली गलती मेरा भी है। बाद में दोनों आपस में एक दूसरे को क्षमा प्रार्थना करने लगे और वो जो वैष्णव थे वो आए, भोज ग्रहण किए, संतुष्ट हुए। बाद में रूप गोस्वामी फिर जब बैठे तो स्वतः उनमें मन में फिर भगवान का लीला स्पूर्ण होने लगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम अगर मनसा वाचा कर्मणा में अगर किस इस वृंदावन धाम में रह के अगर किसके प्रति इवन यहाँ पे जो पशु पक्षी बंदर भी जो हैं, जो कि वृंदावन के बंदर बहुत फेमस हैं उनके शरारतों में, उन हम ये अगर सोचेंगे कि ये बंदर है अगर शरारत कर रहे हैं, उनके प्रति अगर हम कुछ अगर अपराध करेंगे, कुछ अगर द्वेष रखेंगे तो भी ये अपराध होता है। इसीलिए बहुत मतलब खूर की धार के समान धाम में रहना है, हमारा चेतना उतना मतलब सात्विक होना चाहिए, उतना अच्छा होना चाहिए, तब जाके हम वृंदावन धाम में रहने के लिए योग्य हो सकते हैं। हरे कृष्ण।